बाइक का जो मान लो जो प्राइस वगैरह 125,000 के आसपास। दोस्तों मैं तेजेश और आप सबको मेरा नमस्कार, और आज हम स्पोर्ट्स बाइक टीवीएस राइडर उनकी बातें करेंगे, और जो खास युवा धड़कनों की दिल और जान दोनों होती है, काफ़ी सारे जो युवा है उनको गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ये बाइकें जो बाइक होती है पसंद आती है। और ये जो बाइक है सुनील भाई की बाइक है, और ये जो बाइक है उन्होंने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर खरीदी, तो चलिए उनसे बातें करते हैं। तो भाई साहब, ये जो बाइक है, सबसे पहले इसी बाइक को आपने चूज किया, इसकी कुछ रीज़न वगैरह क्या है बताइए। अच्छा, इसका जो अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा लाइक, इसका जो लाइट वगैरह लाइट वगैरह। हाँ, और कुछ इसमें अट्रैक्टिव लुक वगैरह इसका हम बता, जैसे कि माइलेज वगैरह हो गया, काफ़ी अच्छा माइलेज वगैरह है, सीटिंग सेगमेंट वगैरह है, और भी लाइविंग वगैरह है इसमें, 20 वगैरह मिल जाते हैं, इसका डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है इस 125cc सेगमेंट में आपको मिल जाते हैं। और भाई साहब, ये बताएंगे कि इस बाइक का ऑनरोड प्राइस वगैरह क्या है। इसका ऑनरोड प्राइस है 125,000 है। तो दोस्तों, इस बाइक का जो ऑनरोड जो प्राइस वगैरह है 125,000 के आसपास है। अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, काफ़ी अच्छे अच्छे हाईलाइट फीचर आपको मिल जाते हैं। तो आप भी अगर परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, इनके कुछ हाईलाइट फीचर हैं उनकी हम बातें करते हैं। और दोस्तों, ये है टीवीएस राइडर, जो लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक है आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे हाईलाइट फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, हेडलाइट की लुक की बातें करें तो ये आपका जो लुक है, आपको इंसान का जो फेस होता है उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो आँख जैसा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक मुँह जैसा आपको देखने को मिलेगा, और ये जो देख रहे हैं ये आपका नाक जैसा आप मान सकते हैं। तो ये तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 125cc सेगमेंट में आपको ये डिस्प्ले भी मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको गियर का जो पोजीशन है, कौन सा गियर में है गाड़ी, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। फ्यूल है, काफ़ी सारे इको मोड है, यहाँ पे देख सकते हैं इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे हाईलाइट बटन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं, और इस साइड भी कुछ कुछ फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 125cc सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर है आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको टैंक आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्विच है लगा हुआ है, जब आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह करते हैं तो आसानी से मोबाइल वगैरह चार्जिंग है कर सकते हैं ट्रैवल के साथ साथ। और इस साइड आपको इंजन आपको देखने को मिलेगा जो 125cc का। और दोस्तों, 125cc सेगमेंट में एक और हाईलाइट फीचर की बातें करें तो इसमें आपको कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इसमें आपको ऑयल कूलिंग और एयर कूलिंग सिस्टम में मिल जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम आपको सभी गाड़ी में मिल जाता है। और आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको मिसिंग है देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो किक मारने वाला जो सिस्टम रहता है वो हटा दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो साइलेंसर एग्जॉस्ट है आपको स्पोर्ट लुक में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं राइडर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो सीट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट है आपको मिल जाता है। और जो सीट की बातें करें तो काफ़ी अच्छा सीट है आपको मिल जाता है, जब आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह करेंगे तो आपको बेहतर फील आपको होगा। और जो गाड़ी आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, और पीछे साइड से जो गाड़ी आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और टायर की बातें करें तो आपको 125cc सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वाइट टायर आपको मिल जाता है। और चलिए दोस्त, अभी मैं आपको इनका जो सीट है उनको मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्या कुछ सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जब सीट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह आपको दी जाता है, जहाँ पे आसानी से मोबाइल वगैरह या कुछ सामान वगैरह यहाँ पे आप रखना चाहें तो आसानी से रख सकते हैं। और दोस्तों, टीवीएस राइडर की ब्रेक की बातें करें तो आपको पीछे में ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है, और सामने आपको डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाइट टायर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों, इसकी टायर की बातें करें तो आपको दोनों साइड है, आपको आगे और पीछे दोनों साइड आपको ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि आजकल सभी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। दोस्तों, आपको इस गाड़ी में पीछे साइड जो बैठने वाले खासकर जो महिलाएं होती हैं उनके पैर को रखने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। खासकर ये जो देख रहे हैं ये वाला पैरदान, ये खासकर महिलाओं के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, और यहाँ पे दो दो ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। और इनका आप गियर स्विच वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे गियर लगाने का जो सिस्टम है आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी सारे आपको हाईलाइट फीचर है आपको देखने को मिल जाते हैं। सुधीर
और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जब भी आप ट्रैवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो अपने साथ हेलमेट है जरूर यूज़ करें, हेलमेट है जरूर पहने। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।